बस स्टॉप से जैसे आप उतर के आगे बढ़ते हैं तो जस्ट सामने आपके पुराना किला दिख जाएगा और इसी के राइट हैंड पे ये रास्ता गया हुआ है चिड़ियाघर को, तो इधर से ही चलते हैं। और यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है, इसमें बताता है कि किस दिन ये बंद रहता है किस दिन खुला रहता है, तो आप लोग स्टॉप करके देख सकते हैं। और यहाँ पे टिकट वगैरह लेके हम लोग को आगे चलना है। देखिए पुराना किला दिख रहा है इधर साइड से, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है और ये टिकट ऑनलाइन ही मिलता है यहाँ पे, ये सबसे बुरी बात लगी मुझे यहाँ की। तो टिकट वगैरह हम लोग बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। और ये है अंदर जाने का रास्ता, तो इधर ही से आप लोग एंट्री लेते हैं और हम चलते हैं अंदर की तरफ और देख लीजिए आसपास का नज़ारा कैसा है यहाँ पे। बने रहे दोस्तों वीडियो पे, हम आपको अंदर का नज़ारा पूरा दिखाने वाले। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आना कैसे है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं नोएडा में था, नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो से मैं आया सबसे पहले आश्रम चौराहा जो कि महारानी बाग के पास पड़ता है। वहाँ से बस लेके जो है 405 नंबर जाती है जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, या आप कोई भी बस 405 नंबर की ले सकते हैं, वो सीधे आपको आके जू के पास उतार देगी और जो कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही पड़ता है। और दोस्तों एक मैं पूरी वीडियो बना दूंगा सेक्टर 59 से लेके और दिल्ली के चिड़ियाघर तक, तो आपका वो वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आगे पीछे ही है, आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। तो फाइनली दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग हमें दिख गया है और आपको भी दिखाते हैं। ये बबून क्या बताते हैं इसको, मंकी है, इसे अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ये काफ़ी सूखे में भी रह लेते हैं और मोस्टली आप लोग देखे होंगे कि लोग जो अफ्रीकन वीडियो बनाते हैं उसमें बबून का काफ़ी जिक्र होता है। चलो खैर दोस्तों, कुछ हिरन वगैरह तो दिख गए मुझे, काफ़ी हिरन हैं इधर जो कि लखनऊ के चिड़ियाघर में आप लोग देखे होंगे कि एंट्री करते ही काफ़ी दिख जाते हैं। सबसे पहला जो है अट्रैक्शन हिरन का ही होता है वहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी अंदर आने के बाद हैं, लेकिन चलो अच्छी बात है कि कम से कम हैं। तो इंडियन ने इंडियन से मिले से यहाँ से। पे एक शुतुरमुर्ग है, खाना पीना चल रहा है इसका। एक है रहा, सामने देख सामने। Very nice. अरे वो देख सामने। स्टिच आ जाओ भाई इधर, आ जाओ आ जाओ आओ, तुम्हें ही देखने आए हैं सब। सही है दोस्तों, अभी ये थोड़ा आया माहौल बनाने, आ जाओ। इसका लेग वगैरह देख रहे हो, पीछे भी अलग डिजाइन बनी हुई है उसके पिछवाड़े में। इसका डिटेल पढ़ना है दोस्तों तो आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और पढ़ लीजिए। वैसे मैं पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली ऊपर सो रही है ये, बताओ। चलो खैर कम से कम हैं तो। ये काफी उदास लग रही है जो है, कुछ आइसक्रीम से नहीं लग रहे इन्हें खाने के लिए, कुछ शिकायत है तो बोलो। और क्या तुम्हारी जो है पूरी देखो, अभी अफ्रीकी हाथी आगे है और रंग बिरंगी पंछी, दरियाई घोड़ा, बारह सिंघा, लकड़ बग्घा, चलो है तो कुछ आगे अभी। तो गेंडा सामने दिख रहा है उधर पानी के अंदर। और फाइनली दोस्तों गेंडा मिल गया है, सामने आप लोग देख रहे हैं लेकिन है थोड़ा दूर पे, और जूम करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, बाकी आप बताइएगा। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों गेंडा,
चलो कम से कम अच्छी बात है कि कुछ जानवर वगैरह हैं, बड़े में गेंडे हैं जैसे और जंगली बिल्लियाँ। पढ़ लीजिए इसको जो है, डिटेल देखते हैं, डिटेल अप्रूव। मकाओ एक वो अंदर बैठा हुआ है वहाँ पे, बढ़िया घर है इसका, देख लो भाई ये दोस्त। ये दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें देख के और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो इधर इतने में ये बना हुआ है, आप लोग आएंगे सीधा इधर तो आके देख सकते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लाल हरा मकाऊ है, देख रहे हैं आप लोग। ये अंदर एकदम शांत बैठे हुए हैं लेकिन हैं काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी दूर हैं तो मैं दिखाता आप लोग को। लाल हरा मकाऊ, इसके बगल में ये मिलिट्री मकाऊ है, ये भी काफ़ी अंदर बैठा हुआ है तो दिख नहीं रहा, ये देख रहा है जूम करने पे आपको बीचों बीच में। ये एलिगर्स मकाऊ है, ये भी बैठा हुआ है अंदर, थोड़ा छोटा साइज में है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है उतना। ये इलेक्ट्रिस्ट होता है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, इसके अंदर बैठा हुआ है उधर। और ये भी कोई चिड़िया है, बेराइट कैक्टस। ग्लास के वजह से जो है थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा उतना। अफ्रीकी धूतर तोता, काला मुर्गा, ये दोस्तों ऐसे ही रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें, ये काला है और काले में काला, लेकिन देख रहे हैं मुझे तो दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये एक देख सकते हैं लेडी, ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसकी पूछ वगैरह देखने कितनी लंबी है। कुछ देख रहे हो इसके दोस्तों, ये इधर से मैंने एंट्री की थी चिड़िया के लिए और पूरा इधर से घूमते घूमते ऐसे यहाँ से आके निकला। और चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, आगे भी देखते हैं चल के क्या है। ये कुछ पिंजड़ा वगैरह रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसमें शायद जानवरों को लेके आते होंगे बाहर से। कहीं पंकिल मगर दो हैं लेकिन बहुत खतरनाक हैं, बड़े भी हैं काफी। तो फाइनली दोस्तों इसमें हमें मगरमच्छ मिल गया, इसके अंदर भी कोई चिड़िया है। तो एकदम साइलेंट होकर बैठा है पूरा, जैसे लग रहा है हिली डोल नहीं रहा है। ठीक है इसी पोजीशन में रहो, तुम्हारा एक जो है तो ले लिया जाए। और सामने बता रहे हैं दोस्तों इधर लॉयन है, बब्बर शेर है कि चीता है क्या है, देखते हैं चल के। शेर का तो पोस्टर लगा है लेकिन शेर दिख ही नहीं रहा, शेर पता नहीं कहाँ गायब है, है कि खाली झूठ मूठ का लगा दिए हैं। इतना अंदर आने के बाद अगर शेर ना दिखे तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी। तो वहाँ पे है दोस्तों, थोड़ा एकदम देख रहे हो, पूछे पूछ दिख रही है उसकी, शेर दिख रहा है काफ़ी अंदर है एकदम, वो देख रहे हो वहाँ पर जो टायर के नीचे जो है वही दिख रहा है उधर काफ़ी। अभी यार एकदम साइलेंट होके बैठा है बिल्कुल।
ये हल्का सा मुंडी से उठाए हुए है, बाकी देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी दूर बैठा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सिंह साहब जो है इधर उठ के आ ही नहीं रहे हैं, खाई अंगड़ाई अंगड़ाई ले रहे हैं उधर, ये देखो शेर दोस्तों उठा ही नहीं और सो ही रहा था, अब क्या बताया जाए, एकदम अंदर बैठा है जाके छुप के, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब कितनी देर वहाँ रुके रहे हैं, फिलहाल अगर उठेगा तो देखते हैं। चलो मोर तो दिख गया, ये भाग रहा है, डम्मी स्टैचू यहाँ पे लगा रखे हैं पूरा, नहीं आवारा मंकी टहल रहा है ऐसे ही देख रहे हो बाहर, हाँ वो देखो दौड़ा लिया क्या उन लोग को। चल दोस्तों हाथी वगैरह है तो देखते हैं चल के, हाथी सामने दिख रही काफ़ी बड़ी, कान इसके काफी बड़े हैं ना और हाथी मुकाबले, मतलब यही है, बड़ा भी बहुत है। नहीं नहीं साइज में तो इससे बड़ा देखा हूँ लेकिन कान इतने बड़े नहीं होते हैं शायद, ये बूढ़ा पड़ गया ये। हाथी देखे काफी अच्छा लगा दोस्तों, मोर भी अपना जो है एरिया कब्जे आए हैं, हाथी को उसमें मोर टहल रहे हैं आके, ये तो फड़कियों के दाबी देखी हो, फोटो कितना लाग था भाई जाओ, ये रहेछ के यस्तो गरे भन्छ सबले मलाई हेर्ने रहेछ अरुले। इधर पे ये सारस वगैरह है तो दिखा देते हैं आपको, इनको सारस सारस बोलते हैं, सारस हैं ये, यहाँ पे देख सकते हैं एक है ये सामने बैठा हुआ है। चलो खैर मगरमच्छ का एक और दिख रहा है, एक मगरमच्छ बैठा हुआ है यहाँ पे, ईमू ईमू है क्या है ये, ईमू लोग वीडियो पे दोस्तों बने रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चिड़ियाघर का रास्ता और इधर ये देख रहे हैं आपको किला दिख रहा है, तो काफ़ी समय लेके आना होगा यहाँ पे घूमने के लिए, और ये है आपका मेन रोड, यहाँ पे काफ़ी हैपनिंग सा माहौल है और खाने पीने का मामला चल रहा है, तो चलते हैं बाहर की तरफ, आप लोग देख रहे होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।